Dear students, today we will study of the exercises. We will solve the exercise from the Vidya Decent English Grammar. ये क्लास 8th की बुक है, इसमें चैप्टर नंबर 1 की हम बात करेंगे. आज इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं. तो फर्स्ट एक्सरसाइज है पेज नंबर 8 पर, यह दिया है टिक द करेक्ट ऑप्शन. हमको एक करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है. अ डिटरमाइनर इज ए वर्ड दैट, डिटरमाइनर क्या होता है, एक ऐसा शब्द जो आइडेंटिफाई करे और स्पेसिफाई करे एक नाउन को वो, या कम्स बिफोर ए नाउन, एक नाउन से पहले आता है वो, या लिमिट्स इट्स मीनिंग्स, इसके मीनिंग को लिमिट्स करता है, या ऑल ऑफ दिस, सभी में. तो आप देखिए, ये तो सब काम करता है, आइडेंटिफाई भी करता है, नाउन से पहले भी आता है, और मीनिंग जो है वर्ड का उसको भी एक लिमिट के अंदर कर देता है. इसका मतलब क्या होता है कि ऑल ऑफ दीज, इसके सारे पॉइंट जो हैं वो सही हैं. सेकेंड है, बिफोर विच काइंड ऑफ द नाउन वी मस्ट यूज एन आर्टिकल. आर्टिकल हम कहाँ पर रखना चाहिए, कहाँ रखा ही रखा जाता है आर्टिकल, उसको देखना है. प्रॉपर नाउन के पहले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले, मटेरियल नाउन के पहले, या कॉमन नाउन के पहले. तो मैंने आपको बताया था, देखिए, ना तो हम प्रॉपर नाउन के पहले रखते हैं, रूल्स में पढ़ा था, ना ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले रखा जाता है, ना ही मटेरियल नाउन के पहले आता है, ये कहाँ आता है, केवल और केवल कॉमन नाउन के पहले. नेक्स्ट है, ही नोज थीप हु हैज स्टोलन हिज मनी, वो उस चोर को जानता है जिसने उसका पैसा चुरा लिया है. तो ऐसी जगह पे क्या जानते हैं, वो व्यक्ति, वो चोर जो है कोई आम चोर नहीं है, वो खास चोर हो जाता है, स्पेसिफाई हो जाता है. क्यों? क्योंकि किसी एक चोर ने ही पैसा चुराया है और वो उसको जानता है. तो वो जो है, जब ऐसी जगह पर हम लगाते हैं तो डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं, ना ए आएगा ना एन आएगा, यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा, द, यानी कि ही नोज द थीप हु हैज स्टोलन हिज मनी. विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स इज दैट यूज एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. चूंकि ये क्वेश्चन तो दिया है एक्सरसाइज में है, तो करना तो है, लेकिन अभी हमने पूरा जो है डिटरमाइनर का चैप्टर समझा ही कहाँ है. अभी तो हमने आर्टिकल का चैप्टर समझा है, अब आर्टिकल के बाद हमें इसको समझना था जो है एडजेक्टिव्स, तब ये क्वेश्चन आता है. फिलहाल हम इसको समझ ले रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव इज नॉट यूज एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन सा नहीं है इनमें, तो आप समझिए. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जब समझाएंगे अगले टॉपिक में तो आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी संक्षेप में, ब्रीफ में हम इसको समझ लेते हैं. क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव? जब हम किसी को इस तरह से पॉइंट आउट करते हैं कि दिस इज माई पेन, दैट इज द स्टूडेंट, तो इस तरह के पॉइंट करने के लिए इनमें देखिए कौन सा है, दिस भी होता है, दैट भी होता है, दोज भी होता है, लेकिन सिर्फ माई नहीं होता है. तो कह क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव इज नॉट यूज्ड एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोन्स्ट्रेटिव कौन सा नहीं है, ये नहीं है, इसको डेमोन्स्ट्रेटिव माई. विच आर्टिकल इज यूज बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स. हमने आपको बताया था सुपरलेटिव डिग्री में जब एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले केवल और केवल एक ही एडजेक्टिव आता है, एक ही आर्टिकल आता है, और वो होता है डेफिनेट आर्टिकल द. तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा, दोनों की तो बात ही खत्म हो जाती है. चलिए पहुंचते हैं सेकंड एक्सरसाइज पे. मैं समझ रहा हूँ ये समझ में आ गई होगी आपको. अब सेकंड एक्सरसाइज की बात करते हैं, ये भी पेज नंबर 8 पर है. यहाँ लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सुटेबल आर्टिकल ए एन और द. तीन आर्टिकल जो हैं जिनके दो काइंड्स होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, उनमें से कौन से हमको इस्तेमाल कहाँ करना है. फर्स्ट सेंटेंस, आई केम विदाउट अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला, ए अम्ब्रेला या एन अम्ब्रेला, यहां पर किसी अम्ब्रेला के बिना आया है वो, कोई भी उसको, ये बात नहीं कर रहा है कि एक खास अम्ब्रेला लेके आया, खास अम्ब्रेला की बात नहीं हो रही यहां, वो कोई अम्ब्रेला लेके आया ही नहीं, एनी अम्ब्रेला. तो एनी के लिए हम या तो ए लगाएंगे या एन लगाएंगे, लेकिन चूंकि ये यू से शुरू है, अब अम्ब्रेला को हम प्रोनाउंसिएशन करें तो ये लिखा जाएगा ऐसे, अम्ब्रेला. ये किससे शुरू होता है, ए आ से, यानी कि ए वॉवल है, तो यहां पर क्या लग जाएगा, एन. डॉग्स इज फेथफुल एनिमल, ये सॉरी डॉग्स नहीं होना चाहिए, डॉग होगा. अब देखिए, मैंने एक चीज बताई थी, जब कोई एक जानवर
कोई एक चीज़ पूरी कास्ट के बारे में, पूरे ग्रुप के बारे में बता रहा होता है, तो वहाँ पर फिर हम ऐसी जगह पर दा का इस्तेमाल करते हैं। तो द डॉग इज कैसा होता है? अ फेथफुल एनिमल। एक कुत्ता जो होता है एक वफादार जानवर होता है। माय ब्रदर इज IAS ऑफिसर। IAS को अगर हम लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा ऐसे IAS। आई किससे शुरू होता है? ए से, यानी कि ये बॉबिल हुआ, तो हम क्या लिखेंगे इसके पहले? एन। माय ब्रदर इज एन IAS ऑफिसर। दे विल रीच हियर इन, अब ये लिखा है HOUR, आप इसको हावर पढ़ेंगे, हावर, लेकिन ये तो रॉन्ग होता है, इसको हम किससे पढ़ते हैं? आवर या आर। एच इसमें साइलेंट रहता है, ये चीज़, ये एच जो है इसमें साइलेंट रहा, तो जब साइलेंट रहा तो ये पढ़ा जाता है आवर, कुछ लोग इसको आर पढ़ते हैं। अब देखिए ऐसी जगह पर ये ए से आरंभ होता है, ए से आरंभ होने का मतलब है इसमें भी हमें एन का यूज करना है। दे विल रीच हियर इन एन आर। संजय बीकम, संजीव बीकम, संजीव बन गया, क्या एक्टर बन गया? कैसा एक्टर बन गया? द एक्टर, कोई खास एक्टर स्पेशल नहीं, वो एक एक्टर बन गया, कॉमन सा जो भी है, या किसी खास एक्टर की बात नहीं हो रही, तो कॉमन सी बात जब है तो फिर वहाँ पर एक्टर ए से शुरू होता है, ए, और ए वोवेल होता है, तो एन एक्टर इन द अर्ली एज। द अर्ली एज क्यों लगाया? वैसे तो एज के पहले कहीं पर लगता नहीं, एज तो हमारा जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, लेकिन यहाँ पर कॉमन नाउन की तरह इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए लग रहा। ही इज सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट, तो सिंपल सी बात है, दा लगा देंगे। ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम। आई नो वाई हु हैज स्टोलन माई पेन। अब यहाँ पर एक लड़का, एन लगाएंगे, ए लगाएंगे या दा लगाएंगे? सीधी सी बात है, दा लगाएंगे, क्योंकि वाय जो है, मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ, उस लड़के की बात कर रहा हूँ जिसने मेरा पेन चुराया है, तो वो स्पेशल हो गया, तो स्पेशल के लिए हम क्या लगाते हैं? स्पेसिफाई करने के लिए दा का इस्तेमाल होता है। रिच शुड बी काइंड टू पुअर। मैंने बताया था कि जब एडजेक्टिव को नाउन की तरह लिया जाता है उस समय दा का इस्तेमाल किया जाता है और वो नाउन बन जाता है, द रिच। अब इसका मतलब हो गया अमीर लोग, टू द पुअर, अब यहाँ पर भी दा लगेगा, अब इसका मतलब हो गया गरीब लोग, अमीर लोगों को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। तो ये टू एक्सरसाइज हैं। इसके नाइन नंबर सेंटेंस है एक्सरसाइज सेकंड का, पेज नंबर 9 पे है। आई शैल गो टू हॉस्पिटल इन इवनिंग। अब इसमें लिखा है आई शैल गो टू, इसमें कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? हॉस्पिटल से पहले वैसे तो कोई आर्टिकल लगना नहीं चाहिए, अगर कोई पेशेंट वहाँ जा रहा है इलाज कराने के लिए तो वहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन चूंकि यहाँ पर इवनिंग में ये गया होगा, कोई स्पेशल से काम से गया होगा, किसी से मिलना होगा, तो ऐसी जगह पर जब उसका सेंस बदल जाता है, उसका उद्देश्य बदल जाता है, तो वहाँ पर दा लग जाता है। माई सन स्टडीज इन, मेरा बेटा स्टडी करता है इन यूनिवर्सिटी, इन कोलकाता, कोलकाता की यूनिवर्सिटी में। मैंने बताया था यूनिवर्सिटी, इसका पहले हमको प्रोनंसिएशन समझना चाहिए, ये लिखा जाएगा इस तरह से यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी लिखने में ये शुरू होता है या से, या होता है बाई से, बाई वोवेल नहीं होता है, तो इससे पहले ए आना चाहिए। करीम इज ऑनेस्ट बॉय, इसको हम हॉनेस्ट पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, जो गलत है, इसमें एच साइलेंट रहता है और इसे ऑनेस्ट पढ़ा जाता है, तो ये प्रोनंसिएशन हुआ ओ से स्टार्ट। अब जब ओ से स्टार्ट हो रहा है तो ऐसी जगह पर वोवेल का उच्चारण हो रहा है, तो वोवेल से पहले हमें एन लगाना होता है। नेक्स्ट है 12 नंबर सेंटेंस, लाइन इज किंग ऑफ बीस्ट। हमने एक्सप्लेनेशन के समय समझा था कि कोई एक चीज़ या कोई एक जानवर, कोई एक व्यक्ति अगर पूरी प्रजाति के बारे में रेफरेंस दे रहा है तो वहाँ पर दा का इस्तेमाल होता है। अब ये लाइन कोई एक की बात नहीं हो रही है, ना कोई एक किंग की बात हो रही है, यहाँ पर
राजा जो है, शेर जो है, वो पूरे जंगल का राजा होता है और ये हर शेर राजा होता है। माई ब्रदर विल बी देयर इन लेस देन, या एच ओ यू आर, ये पिछले भी मैंने अभी बताया था, इसको हम आवर पढ़ते हैं या आर पढ़ते हैं, एच साइलेंट रहता है। तो जब एच साइलेंट रहता है, आवर पढ़ने या आर पढ़ने, ये आ से शुरू होता है, अवोवेल होता है, तो इससे पहले एंड का यूज होगा। फ्रांस इज, अब कैसी कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, तो द लगाएंगे या फिर ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। यहाँ पर हम देखें यूरोपियन, ये किससे शुरू होगा, यू यानी कि या वाई से, तो ये हो जाएगा ए। फ्रांस इज ए यूरोपियन कंट्री। सेम सेंटेंस यहाँ पर है, जैसे ये लाइन वाला था उसी तरह से हैन वाला है। ये हैन कोई एक की बात नहीं हो रही, ये पूरी अपनी प्रजाति की बात कर रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज आपकी सेकेंड रही। अब थर्ड एक्सरसाइज में हम देखेंगे, लिखा है यूज अ सुटेबल आर्टिकल वेयर नेसेसरी एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में हमें कहाँ पर आर्टिकल को इस्तेमाल करना है, कहाँ हटाना है, ये देखना है। अगर इस तरह से हमको, सबसे पहले हम देखते हैं सेंटेंस नंबर फर्स्ट। यहाँ सेंटेंस नंबर फर्स्ट है डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो ये सारे डॉग की बात हो रही है, तो द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, अब ये करेक्ट हो गया। हेन इज अ बर्ड, हेन सारी हेन बर्ड ही होती हैं, तो द हेन इज बर्ड। माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट, चूंकि हाईएस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज होता है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक। माई अंकल इज अराइविंग हियर इन आवर और टू, यहाँ इन एन आर और टू। कॉलरा इज इन्फेक्शियस डिजीज, कॉलरा हमने बताया था कि कुछ बीमारियां होती हैं जिनके पहले लगता है लेकिन बाकी सभी के साथ नहीं लगता। तो अब इज एन इन्फेक्शियस, यहाँ पर एन का इस्तेमाल इन्फेक्शियस से पहले होगा। यूनिक चीज़ों के पहले भी डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। वी इंगेज ट्यूटर टू टीच आवर चिल्ड्रन, हमने एक टीचर को रख रखा है, ट्यूटर को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो किसी खास टीचर को रखा होगा, खास स्पेसिफाई करने के लिए डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी, कैसी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक अच्छी सी कहानी उन्होंने सुनाई। मैन यू मेट इन द स्ट्रीट इज स्मगलर, तो किस कोई खास आदमी, एक आदमी मिला आपको जो कोई आपके लिए स्पेशल हो गया, हर आदमी की बात नहीं हो रही, वो आदमी जो स्मगलर था, तो यहाँ स्पेसिफाई हो गया इज अ स्मगलर। आई नो द प्लेस वेयर टेलर वॉज मर्डर्ड, उस जगह की बात, वो खास जगह जहाँ पर टेलर का मर्डर हुआ, तो ऐसी जगह पर स्पेशल प्लेस हो गया, स्पेशल प्लेस के लिए हम दा लगा देंगे। आई नो द प्लेस वेयर, अब टेलर भी कोई खास हो गया, हर टेलर का तो मर्डर नहीं हुआ, किसी एक टेलर का मर्डर हुआ, किसी खास जिसको आप जानते थे, तो आई नो द प्लेस वेयर द टेलर वॉज मर्डर्ड। अब एक्सरसाइज 4 है पेज नंबर 9 पर, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाई ओमिटिंग और यूजिंग ए सुटेबल आर्टिकल वेयर नेसेसरी। या तो आर्टिकल को हटा दीजिए जहाँ जरूरत नहीं है, जहाँ जरूरत है वहाँ पर आर्टिकल को लगा दीजिए, और लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, सेंटेंस को करेक्ट करना। माई अंकल लिव्स इन द दिल्ली, मैंने बताया था प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज नहीं होता। आई गो टू द चर्च एवरी संडे मॉर्निंग, मैं हर संडे मॉर्निंग को चर्च जाता हूँ, किस क्या उद्देश्य होगा हर संडे को जाने का, क्योंकि हर संडे को वहाँ पर पूजा होती है, तो जब पूजा करने का उद्देश्य है तो वहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। आई गो टू चर्च एवरी संडे मॉर्निंग। What type of an exercise do you suggest? आपको किस तरह की एक्सरसाइज दी गई है? अब देखिए, एन एक्सरसाइज इसलिए हटाना है क्योंकि यहाँ पर कोई खास एक्सरसाइज आपको बताई गई होगी। What type of exercise do you suggest? Elephant is very big animal. तो कोई एक एलिफेंट तो है नहीं जो बहुत बड़ा है, सारे एलिफेंट बहुत बड़े हैं, तो सारे के लिए जब एक चीज़ रेफर करती है तो डेफिनेट आर्टिकल। द एलिफेंट इज़ वेरी बिग एनिमल। द ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी,
आपने स्टडी करते समय समझा था कि किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, तो यहाँ हो जाएगा ऑनेस्टी इज बेस्ट। अब चूंकि ये बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट का मतलब है सुपरलेटिव डिग्री, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसे होगा। आई वेंट टू चर्च टू मीट माई फ्रेंड। अब यहाँ देखिए ये 6 नंबर सेंटेंस में इनका उद्देश्य बदल जाता है, ये वहाँ चर्च में क्यों गए, यहाँ मिलने गए। जब उद्देश्य बदल जाता है तो उसके पहले द का इस्तेमाल होता है। आई वेंट टू द चर्च टू मीट माई फ्रेंड। द वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। यहाँ पर वर्च्यू जो गुण है, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, गुण को ना देख सकते ना सुन सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, तो ऐसी जगह पर कोई आर्टिकल नहीं आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले। वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। द बुक्स आर सोल्ड हेयर। देखिए यहाँ पर कोई स्पेशल तरह की तो बुक्स मिल नहीं रही हैं। कहा जाता है जब प्लूरल नाउन होता है और उससे पहले कोई द लगाना हो तो वो फिर स्पेसिफाई कर देता है, उतने को एक लिमिट कर देता है। यहाँ तो हर तरह की बुक्स बेची जाती हैं, तो ऐसी जगह पर प्लूरल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। बुक्स आर सोल्ड हेयर। गंगा इज होली रिवर ऑफ हिंदूज। देखिए इसमें क्या है, रिवर वगैरह हमने कहा था कि उनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है, तो द गंगा इज होली रिवर ऑफ, अब धर्म से पहले भी होता है रिलीजन से, ऑफ द हिंदूज। ही स्पोक इन द इंग्लिश विद द कॉन्फिडेंस। ये द कट इसलिए किया क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट से पहले द का इस्तेमाल, या कोई जो है डेफिनेट आर्टिकल हो या इनडेफिनेट आर्टिकल हो, किसी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ही स्पोक इन इंग्लिश विद द कॉन्फिडेंस। मैंने बताया था कि अगर किसी भाषा के पहले, किसी लैंग्वेज के पहले हम द का इस्तेमाल कर देते हैं तो वो भाषा नहीं रहती, उसको बोलने वाले लोग हो जाते हैं। तो ये एक्सरसाइज 4 कंप्लीट होती है। ये एक्सरसाइज 5 पेज नंबर 9 और 10 पर है। इस पे फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पेजेस पैसेज विद सुटेबल आर्टिकल्स ए एन और द। तीनों आर्टिकल में से कौन सा भरना है, ये खाली जगह जो है ब्लैंक उसमें हमें फिल करना है। स्टोरी है, एक पैसेज यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा ये है, तो फर्स्ट पैसेज को हम फिल करते हैं। वंस देयर लिव्ड, तो यहाँ आएगा एन एलिफेंट, ये बॉबल साउंड से है। इन अ जंगल, ये कंसोनेंट साउंड से है जंगल। उसके बाद दोबारा से ही फिर से एलिफेंट आ रहा है, जब दोबारा से आता है तो वो फिर स्पेसिफाई हो जाता है, स्पेसिफिक कर देते हैं उसको, और वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। द एलिफेंट वेंट टू द, वो किसी स्पेशल रिवर पे ही जाता होगा, तो यहाँ भी डेफिनेट आर्टिकल। द रिवर डेली टू ड्रिंक वाटर ऑन द वे, जिस रास्ते पे वो जाता है तो डेफिनेट वे है। द वे देयर वाज अ शॉप, एक दुकान थी किसी की, किसकी, ऑफ अ टेलर। टेलर पहली बार परिचित हो रहे हैं तो इसलिए वहाँ पर इंडेफिनेट आर्टिकल लगेगा कंसोनेंट के साउंड के अकॉर्डिंग, टेलर। अब दोबारा से जब टेलर आया है तो वो हमारा परिचित हो जाता है, वहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। द टेलर वॉज वेरी काइंड व्हेन द एलिफेंट, ये वही एलिफेंट है जिसकी पहले बात कर रहे हैं, रिटर्न्ड फ्रॉम द रिवर, ही गेव हिम अ बनाना टू ईट द एलिफेंट। The elephant was very happy. He always put his trunk in. उसी की विंडो होगी जो स्पेशल विंडो है, वहीं की, हर विंडो की बात नहीं हो रही है, डेफिनेट करना है उसको। The window of the shop, particular shop है टेलर की shop, and took the banana. Thus, the elephant and the tailor became fast friend. सेकेंड स्टोरी है हमारी, देयर स्टूड अ स्टैच्यू। स्टैच्यू से हम परिचित नहीं है अभी, इसलिए द स्टैच्यू नहीं करेंगे। देयर स्टूड अ स्टैच्यू ऑफ, अब चूंकि हैप्पी प्रिंस हर कोई नहीं होता तो वो स्पेशल हैप्पी प्रिंस था, तो हमें वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल का ही यूज करना है। देयर स्टूड अ स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इट वॉज इन द सेंटर ऑफ द सिटी। स्पेशल सिटी, स्पेशल सेंटर की बात हो रही है।
where all the people could see it. अब स्टैचू जो है दोबारा से उसी स्टैचू की बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे. द स्टैचू वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल. द आइज, चूंकि आइज है इसलिए हम किसी ए या एन के बारे में नहीं सोच सकते, प्लूरल है तो वहाँ अगर लगाना ही है तो फिर डेफिनेट आर्टिकल ही लगेगा. द आइज वर मेड ऑफ सैपायर्स. यहाँ फुल स्टॉप है. उसके बाद उसके अंदर एक रूबी यानी कि एक जो है मोती लगा होता है, तो वो स्पेशल मोती था वहाँ पर, इसलिए वहाँ भी डेफिनेट हो जाएगा. द लार्ज रूबी वाज स्ट्रक इन स्वॉर्ड, भी वही थी जो प्रिंस के पास है, दूसरी स्वॉर्ड की बात नहीं कर सकते. स्वॉर्ड फेस किसका है? प्रिंस का है, ये भी स्पेसिफाई है. द फेस लुक्ड हैप्पी. वन नाइट, अब यहाँ पर कोई अनजान पक्षी है, कुकू है, वो आता है तो हम उससे एक्वेंटेस नहीं है, परिचित नहीं है, तो ऐसे में इंडेफिनेट आर्टिकल लगेगा कंसोनेंट साउंड के अकॉर्डिंग. ए नाइट अ लिटिल कुकू फ्लू ओवर, कौन सी सिटी? प्रिंस वाली सिटी की बात हो रही है, डेफिनेट हो जाएगा. ओवर द सिटी इट वॉज लुकिंग फॉर अ प्लेस, कोई भी जगह, एनी प्लेस. आ का मतलब यहाँ पर एनी प्लेस, वो किसी भी एनी प्लेस ढूंढ रहा था जहाँ पर वो सो सके. इट सा द स्टैच्यू, स्टैच्यू की कई बार बात कर चुके हैं, तो द स्टैच्यू एंड फ्लू डाउन टू रेस्ट बिटवीन द फीट लगाएंगे. ए एन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि फुट नहीं है, फीट है, प्लूरल है. द फीट ऑफ द प्रिंस, प्रिंस कोई एक दो प्रिंस नहीं है जिसकी बात चल रही है, हैप्पी प्रिंस वही है. सडनली अ ड्रॉप ऑफ वाटर फेल अपॉन इट्स फेस, अब वही ड्रॉप फिर से है. द ड्रॉप केम फ्रॉम द आइज ऑफ द प्रिंस. नेक्स्ट एक्सरसाइज है, रीराइट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन आफ्टर फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स. हमको आर्टिकल इस कन्वर्सेशन में फिल करना है जो प्रॉपर हो, जो उचित हो. पुट अ क्रॉस वेयर नो आर्टिकल इज नीडेड, जरूरी नहीं कि हर जगह हमें भरना ही है, जहाँ पर नहीं ज़रूरत है वहाँ पर हम कट का निशान लगा देंगे, क्रॉस बना देंगे. थर्ड एक्सरसाइज में है, इसमें लिखा है आंट पूछती हैं वुड यू लाइक ऑरेंज, तो आपको ऑरेंज पसंद है, कौन सा ऑरेंज? क्या कोई एक ऑरेंज की बात हो रही? नहीं, तो यहाँ जब एक ऑरेंज एक चीज़ से सभी चीज़ों के बारे में बात की जाए उस कैटेगरी की, तो वहाँ पर द का यूज़ किया जाता है. पुनीत कह रहा है यस प्लीज़ आई लव, अब यहाँ पर लिखा है ऑरेंजेस, प्लूरल दिया है, चूँकि प्लूरल को स्पेसिफाई करना हो कि कुछ उतने ही ऑरेंज जो हैं उन्हीं में से पसंद हैं, तब तो हम वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल लगा देंगे. वैसे हमें जब प्लूरल होता है तो उससे पहले द लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है. यस प्लीज़ आई लव ऑरेंजेस, इतना हो जाएगा. या सिंगुलर होता तो फिर हम द लगा देते. आंट पूछती हैं देयर अ बिग वन इन द फ्रूट बास्केट एंड मैनी स्मॉल ऑरेंजेस, इसमें जो है देयर्स के बाद यहाँ पर आएगा कि उसमें एक, देयर्स आ उसमें एक ऐसा है जो सबसे बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं. पुनीत मे आई टेक द बिग वन, अब हमने यहाँ पर द क्यों लगाया है? पहले तो आ लगाया है, वजह इसकी यह है जो वहाँ पर एक है उसी की स्पेशली बात हो रही है, तो वहाँ पर द बिग वन हो जाएगा. नेक्स्ट है टीचर व्हाट इज द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्या होती है? तो इसमें किसी एक लाइब्रेरी की बात नहीं की जा रही, कोई भी लाइब्रेरी की बात की जा रही कि लाइब्रेरी आखिर होती क्या है. अंकित सर, अब ये डिफाइन करेंगे तो उसमें आ से भी कर सकते हैं, दा से भी कर सकते हैं. लाइब्रेरी इज अ स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, जहाँ पर किताबों का भंडार हो. टीचर डू यू हैव, अब यहाँ पर पूछ रहा है क्या आपके कॉलेज में कोई लाइब्रेरी है, तो कोई के सेंस में भी हम ए लगाते हैं. डू यू हैव अ लाइब्रेरी इन योर कॉलेज? अंकित यस सर देयर इज, अब कह रहे हैं हाँ है वहाँ पर एक लाइब्रेरी,
अ गुड लाइब्रेरी इन माई कॉलेज आई गो। अब सेकेंड टाइम अपने कॉलेज की लाइब्रेरी की बात कर रहा है तो फिर वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल हो जाएगा द लाइब्रेरी इन माई फ्री पीरियड। फ्री पीरियड यहाँ कुछ छूटा है क्या सर? प्लीज ऑफ द कुछ छूट गया है इसमें। चलो ऑफ कर लो देख लें। माय फ्री पीरियड उसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप के बाद लिखना है कि द लाइब्रेरियन, एक स्पेशल जो लाइब्रेरियन है उस लाइब्रेरी का जो कॉलेज में है उसकी बात हो रही है। तो द लाइब्रेरियन ऑफ द लाइब्रेरी, कौन सी लाइब्रेरी जो कॉलेज में है, इज अ जेंटलमैन, एक सज्जन व्यक्ति है। दैट्स ऑल। एक्सरसाइज 6 पेज नंबर 10। टुडे इट इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1। Rewrite the following passage inserting a, an or the where necessary. तो rich man had faithful dog. तो सबसे पहले तो हम indefinite article लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर rich man का पता नहीं है, पहली बार आया है तो indefinite article use होता है। ऐसे में a rich man had a faithful dog. One day he rode to a town. Town का clear नहीं है, definite नहीं है तो फिर indefinite article का use करेंगे और हो जाएगा अ टाउन। ही हैड ए स्मॉल बैग ऑफ अ मनी, हिज डॉग आल्सो वेंट विद हिम, डे वाज वेरी हॉट। कौन सा डे? स्पेशल डे की बात हो रही है जिस दिन वो जा रहा था, तो ऐसे में डेफिनेट आर्टिकल बनता है द डे वाज वेरी हॉट। सो द मैन, अब मैन परिचित हो गए हैं, उससे पहली बार आ चुका है, दोबारा से आया है, तो सो द मैन सून फेल्ट टायर्ड, देन दे केम टू अ आमंड ट्री। अब आमंड ट्री पहली बार आया है तो ऐसी जगह पर हम इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। ही गॉट डाउन फ्रॉम हॉर्स एंड सैट डाउन अंडर ट्री, अंडर द ट्री। अब वो आमंड का पेड़ जो है बादाम का, वो दोबारा से आया है तो उसमें जब डेफिनेट आर्टिकल हो जाता है ऐसे में, ही पुट हिज मनी बैग ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड। Soon man got up and rode on the horse. अब horse जो है उसका अपना हो जाता है तो ऐसी जगह पर भी definite article बनता है। He forgot the bag. Bag पहले बात कर चुके हैं, उसी bag की बात कर रहे हैं, on the ground. Definite article. अब है रूपा is a farmer. यहां indefinite article. रूपा एक किसान है। He lives in village. In a village, वो एक गांव में रहता है, एक गांव का है तो indefinite article हो जाएगा। He is an old man. Old से पहले an इसलिए आएगा क्योंकि यहां पर vowel sound से शुरू है man, but healthy. He has a big field. अभी वो field की जिसकी बात कर रहे हैं वो पहले नहीं परिचित है मुझसे, तो a big field. Sitting on a tractor. एक ट्रैक्टर पे बैठा है, ही इज गोइंग टू फील्ड टू प्लो इट, वो इसे जोतने के लिए जा रहा है। और द ग्राउंड इज ड्राई एंड सन, ये यूनिक चीजें हैं दोनों, ग्राउंड और सन, तो इनसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे हॉट। रूपाज वाइफ कुंती इज अ गुड लेडी, शी ब्रिंग्स लंच फॉर रूपा, शी गिव्स हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी एक गिलास पानी, तो अ ग्लास ऑफ वाटर। व्हेन ही टेक्स लंच, जब वो लंच करता है तो वो इसे एक गिलास पानी देती है। द फार्मर, अब वही फार्मर की बात हो रही है, नहीं सॉरी, फार्मर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर द भी लगा सकते हैं और ए भी लगा सकते हैं, कोई भी फार्मर कह सकते हैं और सभी फार्मर के लिए भी व्यक्त होता है, तो ऐसे में द और ए दोनों में से कोई सा भी आर्टिकल चल जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।